अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाश व्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एनर्जाइजर का पावर बैंक। एनर्जाइजर इस कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, इसकी प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसके सेल तो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल हो चुके ही होंगे। तो ये मैंने पावर बैंक जो है बाय किया है, दो दो आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि एक मैंने अपने लिए बाय किया है और एक अपने हस्बैंड के लिए। ये पावर बैंक जो है काफ़ी फास्ट चार्जर है इसमें, और इसका मॉडल नंबर है UE10025PQ। ये फास्ट चार्जर है USB-C 18WPD पावर बैंक फॉर स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड मोर। तो इससे जो है एट अ टाइम हम दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। और फिलहाल हम एक को साइड में करते हैं और एक को ओपन करते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो पीछे दी हुई है, इसके अंदर जो है मैनुअल बुक भी होगी। तो ये अल्टीमेट चार्जर है एनर्जाइजर, यहाँ पे भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है UE10025PQ। तो इसको जो है हम ओपन करते हैं। ओके, कहाँ कहाँ से सील पैक हुआ। ओके, तो फाइनली इसका जो टेप है वो हट चुका है। और मैंने वाइट कलर ऑर्डर किया है, ये देखें। स्मार्टफोन तो चार्ज करता है लेकिन ये खुद भी काफ़ी स्मार्ट है। ये है इसकी मैनुअल बुक, ये इसका है केबल चार्जर, सेम जिस तरह होता है मोबाइल्स वगैरह का। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये पावर बैंक देख सकते हैं, दिखने में कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, और इसका वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें और कलर भी आते हैं लेकिन मैंने जो है वाइट ही लिया है। इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, मॉडल UE10025PQ। इसकी कैपेसिटी है 10,000 मिली एम्पियर आर और 37 WH मैक्सिमम, और काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसमें USB के यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों किस्म के हम मोबाइल या कोई भी डिवाइस है, टैबलेट है, टैब है, कुछ भी है, हम वो आराम से चार्ज कर सकते हैं। और एट अ टाइम हम दो डिवाइस आराम से इससे चार्ज कर सकते हैं। और कोई भी स्मार्टफोन है वो इस पावर बैंक से 10 times चार्ज हो सकता है एक दफ़ा की चार्जिंग में। ओके, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ये इसका ऑन का बटन है, ये देखें, इससे ये पावर ऑन होता है। ये देखें, अभी इसकी बैटरी लाइफ इतनी है ऑलरेडी, जो मैंने बाय किया है तो इसमें इसकी बैटरी लाइफ इतनी आई है। इसको हम फिलहाल ऐसे ही यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मज़ीद चार्ज करेंगे तो ये फुल चार्ज हो जाएगी। पहले खुद चार्ज होगा और फिर दूसरी डिवाइस को चार्ज करेगा। ओके, तो इसकी लिखा हुआ भी है यहाँ पे USB-C PD इन और आउट, माइक्रो USB इन यहाँ पे और USB आउट ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप देख चुके हैं ये कितना खूबसूरत है। बीच में जो है ये सिल्वर कलर की लाइन आ रही है, ये देखें, वाइट और सिल्वर, जिस तरह से मेरी आपको टेबल नज़र आ रही है वाइट और सिल्वर कंट्रास्ट में। इसकी जो सामने सीट्स हैं ये जो है चेयर्स ग्रे कलर की है, और ये वाइट कलर की टेबल पे भी आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा होगा, सेम इसी जो है कंट्रास्ट में है ये। तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल इसका साइज़ ऐसा है कि आप इजीली एक पॉकेट में अपना मोबाइल और दूसरे पॉकेट में आप ये पावर बैंक लेके जा सकते हैं आराम से। इसको चार्ज करके रखें, आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, कहीं हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, पूरे दिन के सफ़र पे जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, और हमें कभी भी मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसकी चार्जिंग एंड हो जाती है, तो हम ईज़िली जो है इस पावर बैंक के ज़रिए अपनी किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह से चार्ज करेंगे। ओके, तो ये है मेरा एक मोबाइल। ओके, तो इसको हम इससे चार्ज करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। ये हमने इसका केबल निकाला, हम नॉर्मली इसको अपने बैग में डाल के लेके जा सकते हैं, छोटे से पर्स में डाल के लेके जा सकते हैं, और जेंट्स हजरात तो इसको अपनी पॉकेट में डाल के आराम से लेके जा सकते हैं। तो इसको इस तरह से डाला अंदर, ठीक है,
इसको हम ऑन कर लेते हैं पहले ये यहाँ से। ओके ये देखिए इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 55% है और 51 मिनट्स में जो है ये फुल चार्ज हो जाएगा। मीन्स ये जो है 30 to 50 मिनट्स में जो है हमें 50% बैटरी चार्ज करके दे सकता है सैमसंग। ये भी सैमसंग का है तो हमारी जो ये स्मार्टफोन्स हैं आराम से हम लोग इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये फास्ट चार्ज हो रहा है, ये इसकी निशानी है, ये जो ग्रीन लाइट इसकी जल रही है ये देखें नज़र आ रही है, ग्रीन लाइट ऑन है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा फास्ट चार्ज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको एट अ टाइम दो डिवाइस चार्ज कर सकते हैं, दो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये हम दूसरी डिवाइस के लिए ये वाली पिन दी हुई है तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसको इजीली इस तरह से पकड़ के अपने हाथ में लेके जा सकते हैं, गाड़ी में लेके जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा पावर बैंक बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी एनर्जाइज़र का कोई पावर बैंक है या किसी और कंपनी का पावर बैंक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कैसा है, और आपने अगर इस तरह का पावर बैंक यूज़ किया है तो वो आपको कैसा लगा। ये देखिए मैंने आपको बताया मैंने दो बाय किए हैं, ये है मेरे हस्बैंड के लिए, पैकिंग भी अच्छी दी हुई है और मैंने सेम लिया है, अपने लिए भी वाइट और उनके लिए भी वाइट। तो ये इस तरह से इसको, ये मैंने पहले देखा ही नहीं था, ये इस तरह से इसको स्पेसिफिकेशन इसमें लिखी हुई है, फॉर स्मार्टफोन टैबलेट एंड मोर। ओके टैबलेट भी चार्ज हो सकता है, इसमें मोबाइल भी चार्ज हो सकता है, इसमें LED इंडिकेटर है। ओके ये जो है इंडिकेटर दिया हुआ है, ये हमारी चार्जिंग का नहीं है, ये इंडिकेटर दिया हुआ है कि हमारा मोबाइल जो है चार्ज हो रहा है। ओके फ्रेंड्स तो ये देखें हमारा अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है ये और 58% हो गया है, काफ़ी फास्ट चार्जिंग हो रही है इसकी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।